आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसता जा रहा है। चिदम्बरम के विदेश भागने के डर से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम चिदम्बरम के आवास पर डेरा डाले हुए है। उधर सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को फौरी राहत नहीं मिली है, उनकी याचिका पर लंच के बाद सुनवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी परिणाम हो। प्रियंका गांधी ने कहा, राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की। वे सरकार की विफलताओं को उजागर करते रहे हैं, लेकिन कायरो को सच्चाई पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें चिदम्बरम शर्मनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और सच की लड़ाई लड़ती रहेगी, नतीजा चाहे जो कुछ भी हो। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा और कहा कि चिदम्बरम को प्रियंका गांधी का समर्थन नेचुरल है। उन्हें रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन करने का भी अनुभव है, जो कई वित्तीय मामलों में गंभीर जांच का सामना कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब जेल या बेल की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां बुधवार को सुनवाई होनी है। इस बीच सीबीआई और ईडी के अधिकारी की टीमें चिदम्बरम के घर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिले। दोनों टीमें उनके घर से वापस लौट गई। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि इस मामले में जो सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं, उससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्य साजिश करता है।